लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीवी राव को रेवाड़ी से टिकट, शरद यादव के समधी कमलवीर यादव को बादशाहपुर से टिकट। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कवायद में जुटी है। कांग्रेस ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जेडीयू की बागी नेता शरद यादव को भी खुश करने की कवायद की है। हरियाणा में कांग्रेस ने इन दोनों यादव नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देकर मैदान में उतारा है। हरियाणा की रेवाड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव पर दांव लगाया है, जो आरजेडी प्रमुख लालू यादव के दामाद हैं। चिरंजीव रॉय की शादी लालू यादव की छठी बेटी अनुष्का रॉय से शादी हुई है। चिरंजीव ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद थे। बता दें कि दक्षिण हरियाणा के लालू के समधी कैप्टन अजय यादव की मजबूत पकड़ मानी जाती है। हुड्डा सरकार में अजय यादव बिजली मंत्री थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत नहीं सके थे। आज यादव अपनी राजनीति विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे चिरंजीवी को मैदान में उतारा है।